इंट्रोडक्शन टू फोटोग्राफी। तो सबसे पहले फोटोग्राफी का मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी एक्ट या इमोशन जो हम कैप्चर करते हैं और उसे सेव करके रख सकते हैं, कैप्चर करते हैं और उसको एडिट करते हैं और उसको सेव करके रख सकते हैं, उसे ही हम फोटोग्राफी बोलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। फोटोग्राफी कैन बी मीडियम फॉर अ कम्युनिकेटिंग फैक्ट्स और अ फिक्शन। हाँ देखो, अभी कोई भी अगर फैक्ट हो गया, जैसे यहाँ पे समझो एक आग लगी थी, किसी घर में आग लगी थी और तुमने फोटो खींच ली, और वो इजीली फिर अगर वो किसी को दिखाओगे तो वो खुद ही एक्सप्रेस कर सकता है वर्ड्स में कि भाई यहाँ पे आग लगी थी, ये ऐसा है वो ऐसा है। लेकिन आप किसी को ऐसे ही बोलोगे कि मतलब वहां पे आग लगी थी, तो आपको एक्सप्लेन करने को काफी टाइम जाएगा। या फिर कुछ आपने ऐसी ऑब्जेक्ट देखी जो बहुत ही रेयर ऑब्जेक्ट है और उसने उसकी आपने फोटो क्लिक कर ली, तो अगर वो आप किसी को दिखाओगे तो वो अपने आप समझ जाएगा कि भाई ये रेयर है, और मतलब आपके लिए वो प्रूफ टाइप हो जाएगा और आप उसको वर्ड्स से बेटर फोटो में एक्सप्लेनेशन वो खुद समझ लेगा। ठीक है, फिर एक्सप्रेसिंग आइडियाज और इमोशन। हाँ ये देखो, एक्सप्रेसिंग आइडियाज और इमोशन क्यों बोला गया है? एक्सप्रेसिंग आइडियाज और इमोशन हम लोग फोटोग्राफी के थ्रू अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं। आइडिया हमारे क्या, हमारे मतलब आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा रहेगा काफी फोटोग्राफी का कैसे यूज करते हैं वो लोग। और इमोशंस भी, जैसे कोई स्माइल कर रहा है तो हमें पता चलेगा भाई हैप्पी है, कोई रो रहा है तो हमें पता चलेगा भाई रो रहा है। अगर फोटो के साथ समझो यहाँ पे कुछ हो गया, जैसे यहाँ पे एक कुत्ता है और वो मरा पड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे एक बच्चा रो रहा है, तो हम अपने दिमाग में ये हमारी इमेजिनेशन आ जाएगा कि भाई ये जो डॉगी है ये इसका है, ठीक है, और ये मर गया है तो ये रो रहा है। और यहाँ पे अगर एक कार आ जाए जिसमें थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ है, तो वो फोटोग्राफी में हो गया कि भाई शायद से ये डॉग को ये कार वाले ने ठोका। या फिर कुछ ऐसा आ जाए कि भाई इसके पीछे ट्रक है, तो हम इमेजिनेशन कर लेंगे कि भाई ट्रक वाले ने कार को ठोका और कार ने डॉग को ठोका, तो इसके वजह से डॉग मर गया और ये रो रहा है। तो अलग अलग इमेजिनेशन हमारे दिमाग में इजिली आ सकती है। ठीक है, फोटोग्राफी इज अ पावरफुल मीडियम फॉर पॉलिटिकल प्रोपोगंडा टू। देखो अभी क्या होता है ना, आजकल कई फोटो एडिटेड होते हैं, ठीक है, एडिटेड होते हैं और सॉफ्टवेयर्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो इजिली ये पॉलिटिकल मेथड यूज पॉलिटिकल के लिए यूज किया जाता है, जितने जो पॉलिटिक्स वगैरह हैं। आपने देखा रहेगा, एक एडवर्टाइजिंग की बात करता हूं मैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर नारायण मोदी जो थे, नरेंद्र मोदी सॉरी, तो उन्होंने यहाँ पे जैसे एक वीडियो कॉन्फ्रेंस किया था, तो एक जगह पे खड़े होके मोर देन 300 या मोर देन 400 प्लस वहां पे वीडियो, उनका 3D वीडियोग्राफी हो रहा था। तो वो क्या था, वो फोटोग्राफी का ही एक पार्ट होता है वीडियोग्राफी। तो वही था कि जैसे अभी एक और चीज में ले लो, जैसे फोटो एडिट की जाती है, जैसे कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, आप देखोगे तो आप डालोगे जैसे गूगल में कि शो द एडिटेड फोटो ऑफ पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा, तो वो बहुत सारे आ जाएंगे आपको फोटो, और आपको पता चल जाएगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद में आता है द कैपेटिव। कैपेटिव मतलब आप सोच सकते हो कि आप बोलो कि कैसा फोटो, आप जैसे आप लिखते हो कैप्शन वाला, कोई इमोशंस अपने आप ना, वो फोटो देख के ही पता चल जाएगा बंदे को कि भाई इसके अंदर इमोशंस है, मतलब क्या वो सोच रहा है, उसका आइडिया क्या है, और काफी सारी चीजें वो सोच सकते हैं, जैसे उसने कैसे अपने दिमाग के अंदर बहुत सारे थॉट रखे। अगर एक मॉन्क की फोटो लूं मैं, मॉन्क मीन साधु की फोटो लूं, और उसको बहुत अच्छे से क्लिक करूं, वो बंदा कैमरे में देख रहा है, तो मतलब सब तो कैमरे में ही देखते हैं, बट उसका इमोशन अलग रहेगा, उसका एक्सप्रेस करने का तरीका अलग रहेगा, उसका फेशियल एक्सप्रेशन अलग रहेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं द कैपेटिव। कैपेटिव में आता है कि कोई भी बंदा जो अपने अंदर इमोशन शो कर रहा है एक्सप्रेस, और आइडियाज अपने एक्सप्रेस कर रहा है फोटो के थ्रू। सीडलिंग, अच्छा ये सीडलिंग ये वर्ड जो है ना, ये एक फोटोग्राफी होती है जहां पे एक नॉर्मल चीज, मतलब जो सीड है वो कैसे इस पे आ रही है, क्या बोलते हैं, कैसे वो प्लांट बन रही है, वो उसका फोटो क्लिक किया गया है, आपको बुक में देखने को मिल जाएगा, और इतना नहीं है इसमें कुछ। फिर रोल ऑफ फोटोग्राफी और यूज ऑफ फोटोग्राफी। भाई रोल क्या रहते हैं, देखो फोटोग्राफी के रोल क्या रहते हैं, बहुत स्टार्टिंग से, बहुत ही पहले से जब फोटोग्राफी वगैरह का जन्म नहीं हुआ था, तो बहुत स्टोन एज के टाइम से, जब हम लोग स्टोन एज के टाइम से थे, तो हम लोग को क्या, हम लोग इमेजेस देखने लगे थे। इमेजेस और फोटोग्राफी में फर्क होता है, जैसे वो लोग वॉल पे बनाते थे फिर, या फिर कहीं पे भी बनाते थे, और उन्होंने क्या देखा था, देखो जैसे स्टोन एज पीपल है, यहाँ पे लेक है और यहाँ पे क्या है, मून है, तो मून की जो शेडो यहाँ पे गिरती थी, तो वो स्टोन एज पीपल पीपल देखते थे, तो उनको लगता था भाई कितना अच्छा मून है, लेकिन वो किसी को दिखा नहीं सकते थे, मतलब जो इतना अच्छा नेचर है
सॉरी, जो इतना अच्छा नेचर है वो किसी को दिखा नहीं सकते थे। ऐसे ही अगर उनको सूरज को देखना होता, मतलब सन को देखना रहता था, तो वो क्या करते थे कि किसी पेड़ वगैरह के छांव में से अपोजिट साइड, मतलब ऊपर से तो देख नहीं सकते, तो अपोजिट में देखते थे, और जैसे सनसेट हो गया, ये हो गया, तो लेकिन वो अपनी आंखों की देखी चीज किसी को दिखा नहीं सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जब से फोटोग्राफी इन्वेंट हुई, तो अब तो पब्लिक बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज क्लिक कर सकती है और दूसरे को शो कर सकती है। जैसे आप न्यूज में भी देखते रहोगे, कई इंस्टाग्राम पेजेस भी, हैंडल्स भी हैं जो फोटो, अच्छे अच्छे फोटो शेयर करते हैं हमारे साथ, हम लोग को देखने में अच्छा लगता है। तो अभी ये बिफोर इन्वेंशन था, मतलब बिफोर इन्वेंशन ऑफ फोटोग्राफी। अभी हम आते हैं रोल ऑफ फोटोग्राफी और यूज ऑफ फोटोग्राफी। देखो, रोल क्या रहेगा, हमारी मेमोरीज बनती है, फिर हम लोग लाइफ की मेमोरीज बना सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, पोर्ट्रेट फोटोशूट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग के लिए यूज कर सकते हैं, नेचर के लिए यूज कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ के यूज कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत, अंडर वाटर यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉमल यूज करते हैं, अंडर वाटर मतलब जो हम लोग सी के अंदर जाके मछलियों की फोटो वगैरह, फिर एस्ट्रोनॉमल मतलब जो ऊपर फोटो, बहुत मतलब अनगिन एक्सेट्रा, बहुत सारे रोल है हमारे फोटोग्राफी के। आप इंडस्ट्री बोल दो, साइंस मेडिसिन बोल, साइंस बोल दो, मेडिसिन बोल दो, ब्यूटी फैशन बोल दो, काफी सारी चीजें होती है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे आएंगे पिन होल फोटोग्राफी में। उसके पहले एक हाँ, लाइफ बिफोर इन्वेंशन ऑफ पिन होल फोटोग्राफी। अभी पिन होल फोटोग्राफी मतलब क्या रहता है, थोड़ा पिन होल फोटोग्राफी से पहले हम वापस से यहाँ पे बात करेंगे। मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा था, कहाँ गई, ठीक है मैं यहीं पे लिख देता हूँ। अभी लाइफ बिफोर फोटो इन्वेंशन ऑफ फोटोग्राफी, देखो अभी आपको पता है कि यही है लाइफ बी सॉरी पिन होल का ही है, लाइफ बिफोर फोटोग्राफी। तो पिन होल फोटोग्राफी कैसे की जाती थी, पिन होल जब कैमरा नहीं था, जब फोटोग्राफी का कैमरा नहीं था, मतलब जो अभी कैमरास है वो नहीं थे, तब पिन होल कैमरा यूज किया जाता था। पिन होल फोटोग्राफी कैसे की जाती है, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कोई, तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट रख दिया जाता था, यहाँ पे सीधा ऑब्जेक्ट, और उसका ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे टेढ़ा होता था, मतलब ये सॉरी टेढ़ा होता था, तो उसे वो क्या करता था, यहाँ पे एक मिरर रहता था सिल्वर प्लेटेड, और यहाँ पे एक मिरर रहता था, तो वो रिफ्लेक्ट करता था, मतलब जो भी चीजें देख रहा है उसको ऐसे रिफ्लेक्ट कर देता था। तो चाहिए तो मैं आपको गूगल में आप सर्च मार लेना पिन होल फोटोग्राफी, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा मैं किसकी बारे में बात कर रहा हूँ, या ऐसे भी समझ जाओगे तो इतना कुछ हार्ड नहीं है इसमें। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट करता था, और ये जो ऑब्जेक्ट बनता था इसे हम पिन होल क्या फोटोग्राफी बोलते हैं। अगर समझो यहाँ पे पेड़ है, सॉरी 1 मिनट, तो अगर यहाँ पे एक छोटा सा पेड़ है और यहाँ पे एक पिन होल फोटोग्राफर रखा गया, तो जो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से उसे देख रहा है, तो वो इसे पेड़ को उल्टा देखेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक मिरर जैसा ऑब्जेक्ट रहता था, वो पूरा रिफ्लेक्ट कर देता था इसको, मतलब उल्टा रिफ्लेक्ट कर देता था, हमें सीधा दिखेगा बट वो ऑब्जेक्ट उल्टा रहेगा। ठीक है, अभी हम आते हैं कैमरा ऑब्सकुरा के बारे में। कैमरा ऑब्सकुरा क्या होता है, देखो पहले क्या होता था कैमरा ऑब्सकुरा के बारे में, आप देखा जाए तो आपके फोटो बुक में फोटो भी दिया रहेगा कि पेंटिंग, जो पेंटिंग करते थे, तो एक रूम बनाया जाता था डार्क रूम, जैसे यहाँ पे एक ले लो, यहीं पे एक नॉर्मल सा देख लो फोटो छोटा सा, यहाँ पे एक वॉल है, यहाँ पे एक वॉल है, यहाँ पे एक पेंटर खड़ा है, और ये डार्क रूम है, ठीक है, ये डार्क रूम है, ये जो बीच का रूम है ये डार्क है, और यहाँ पे एक स्मॉल पेड़ है और इसकी ये पेंटिंग बना रहा है, तो एक छोटा सा होल रहता था जो ऐसे क्लियर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिखाता था। उसके बाद जैसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे आता था वो उल्टा हो जाता था, इजिली उल्टा हो जाता था, जैसे हमारी कार्बन कॉपी रहती है ना, एज इट इज यहाँ पे आ जाता था, फिर इजिली पेंटर उसको कलर से कलर कर देता था और वो पेंटिंग बन जाती थी। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे पिन होल कैमरा के बारे में। अभी पिन होल कैमरा क्या कैसा होता था, देखो पिन होल कैमरा ना, पिन होल कैमरा का ऑब्जेक्टिव भी ऐसा ही होता था जैसे कैमरा ऑब्सकर्स आया, फोटोग्राफी तो पिन होल की चालू ही थी पहले से, तो फिर जैसे कैमरा आ गया तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे फोटो स्टोर होने लगी, और ऑब्सकरा जैसे ऑलरेडी था तो मतलब हमारे टाइप का ये रूम जैसे था थोड़ा सा, तो वो भी था, तो पिन होल कैमरा आया, फिर उसकी जो फोटो थी मतलब इन्वेंशन हुआ, तो काफी एक ही पिक्चर आता था, मतलब उसमें विल्टी, और बिकॉज ऑफ सिंपल, और पिन होल कैमरा ना बहुत ट्रेंड में चला बहुत टाइम तक, इवन तो कैमरा जब मतलब अच्छे कैमरा आ गए तब भी चला, क्योंकि ये चीप मेथड था
और सस्ता था, इसके वजह से ये काफी ट्रेंड पे रहा और चलता गया। अभी हम यहाँ पे देखेंगे आगे इसके, मतलब अभी हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, इसकी जो हिस्ट्री, किसकी हिस्ट्री, फील्ड फोटोग्राफी की हिस्ट्री। तो हमारा जो फर्स्ट कैमरा था वो 1839 में आया, लुइस जैक्वेस मेंडा डगेरी ने निकाला, जिसका नाम उन्होंने उन्होंने कैमरे का नाम रखा डगेरियो टाइप। क्या नाम रखा? डगेरियो टाइप। उसमें क्या थे कि उन्होंने ऐसा कैमरा बनाया कि जहां पे सिल्वर प्लेट को बहुत ये किया, मतलब एकदम क्लीन किया, पॉलिश किया, जब तक उसका सरफेस मिरर जैसा ना हो जाए तब तक उसको पॉलिश किया। फिर उसको लाइट प्रूफ बॉक्स में डाला गया। लाइट प्रूफ बॉक्स में ऐसा, मतलब वो जो पिन होल कैमरा था उसमें ही डाला, पिन होल जैसे कैमरे में डाला गया। फिर उसमें आयोडीन वगैरह का इस्तेमाल किया गया। फिर उसके बाद उन्होंने, वो कैमरा ऐसा था कि जो ऑब्जेक्ट खड़ा है यहाँ पे सामने तुम्हारे, ऑब्जेक्ट खड़ा है तो उसको 3 से 5 मिनट लगते थे वो कैमरे को कैप्चर हो, कैमरा कैप्चर मतलब उसको करने के लिए 3 से 5 मिनट लगते थे। उसको वो ऑब्जेक्ट को हिलना नहीं चाहिए वरना वो फोटो ब्लर आ जाएगी। और फिर उसके बाद एकदम हॉट मर्क्यूरी प्लेट में रखा जाता था, मतलब ये फोटो हमें जो चाहिए। उसके बाद सोडियम में मिलाया जाता था। हाँ ये सब केमिकल्स के नाम है बट ये फोटोग्राफी में इस्तेमाल हुए हैं। फिर सल्फेट में मिलाता, सोडियम थाइसल्फेट, और या फिर सॉल्ट में मिलाया जाता था। और उसके बाद जाके उसको गोल्ड क्लोराइड में, टोन किया जाता था, मतलब जैसे आप बोल सकते हो जलाया टाइप का जाता था। तो आप देख सकते हो कि ये सब करने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस था। और इसके बाद धीरे धीरे, और इसका क्वालिटी बहुत मतलब नॉर्मल ही था, आप देख सकते हो कुछ ज्यादा खास तो रहा नहीं होगा। लेकिन इसके जो कैमराज है आप देख सकते हो इसके फोटोग्राफी स्टिल काफी अच्छे थे, बेटर थे। जैसे आप बोल सकते हो अभी के जो फिल्टर्स रहते हैं 19 के फिल्टर, आप देखोगे फोन में अपने एज इट इज फोटोज आती थी इसकी, ठीक है। उसके बाद इनको बाद में हमारे जो थे कहाँ गए, विलियम हेनरी आए, विलियम हेनरी फॉक्स। उन्होंने कुछ ही हफ्तों के बाद, मतलब कुछ ही वीक्स के बाद 1840 में क्या निकाल दिया, उनका कैलोटाइप कैमरा निकाल दिया, जिसके वजह से वो कोई भी फोटोज, जो जो फोटोज थी वो प्रिंट कर सकते थे। मतलब ही कैन प्रिंट एन इमेज ऑन अ पेपर टू, मतलब वो प्रिंट वर्ड नहीं यूज होता वहां पे, वो इमेज जो है, जो वो फोटो क्लिक किए उन्होंने खुद के कैमरे से, तो उसका वो पेपर में उसको प्रिंट कर सकते थे, ठीक है। उनके कैमरे का नाम था कैलोटाइप कैमरा, और कैलोटाइप कैमरा में, और बस इतना ही है इसमें, कैलोटाइप कैमरा। और उनको वो ग्रेट ब्रिटेन से थे, मतलब इंग्लैंड से थे, ठीक है। और बस इतने, इनके बारे में इतना ही। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब 1830 से 1818 तक तो यही बोला गया कि सिर्फ प्रोफेशनल लोग के पास ही कैमरा रह सकता है, बाकी लोगों के पास कैमरा नहीं रह सकता। ऐसा 1830 से लेके 1840 तक बोला गया। उसके बाद जॉर्ज ईस्टमैन आए, देखो ईस्टमैन इन्वेंशन 100 शॉट, ही इंट्रोड्यूस अ कोडक कैमरा। अभी ईस्टमैन जो थे उन्होंने कभी इंट्रोड्यूस किया हमें कौन सा कैमरा यूज किया, इंट्रोड्यूस किया कोडक कैमरा। कोडक कैमरा इन्होंने कभी इंट्रोड्यूस किया 1880s में, ठीक है। नहीं यहाँ पे एग्जैक्टली डेट तो नहीं दिया, लेकिन 1880s में उन्होंने हमें वो किया था, जिसकी वजह से जो कैमरा है कोडक कैमरा क्या कर सकता था, अभी जो फिल्म रोल रहती है ना, रोल आपने पुराने कैमरोज में देखा रहेगा रोल, तो वो 100 शॉट ले सकती थी, मतलब एक दो ऐसे 100 करके फोटोज ले सकती थी। और फिर वो 100 फोटोज जो भी नॉर्मल पर्सन थे वो वापस से कोडक कंपनी के पास जाते थे, कोडक कंपनी उसे वापस से साफ करती थी फोटो को, मतलब केमिकल्स वगैरह से इंट्रोड्यूस करवाती थी फोटो को, और उनको प्रिंट करके वो पब्लिक को दे देती थी, और वापस से वो फिर उसमें रील भर देती थी, और ऐसे ही प्रोसेस ये चलता रहता था। फिर 1907 में क्या हुआ, 1907 में टू फ्रेंच ब्रदर एंटोनियो लुइस एंड इन्होंने फर्स्ट टाइम, ये तो ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट की बात हो रही है, 1907 में इन्होंने क्या किया कि फर्स्ट टाइम इन्होंने ऑरेंज ग्रीन और वायलेट ये सब फोटो फोटो क्लिक की, पोर्ट्रेट के थ्रू के मदद से इन्होंने फोटो क्लिक की। फिर 1989 में फर्स्ट डिजिटल कैमरा आया सोनी का, जिसका नाम था प्रो मैविका, और मैविका का मतलब होता है मैग्नेटिक वीडियो कैमरा, ठीक है। तो ये वीडियो कैमरा डबल डिस्क में काम करता था, मतलब सीसीडी में काम करता था, जिसका फुल फॉर्म है चार्ज कपल डिवाइस। इसका जो पिक्सल था 7,20,000, 7,20,000 माइनस पिक्सल था, जी हाँ माइनस पिक्सल था, और ये 1 मेगा पिक्सल से भी लेस था, मतलब जो आपके कैमरे उससे भी वो काफी लेस था।
तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया रहेगा, फर्स्ट चैप्टर। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सिर्फ 8 ही दिन बाकी पेपर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।